इस वीडियो में हम लोग एक चैप्टर जिसका नाम है द वैल्यू ऑफ टाइम, इसको हम लोग पढ़ेंगे। पहली चीज़, वैल्यू ऑफ टाइम जो चैप्टर है वो हमें सिखाता क्या है? तो ये हमें सिखाता है एप्लीकेशन ऑफ टाइम, यानी समय का कैसे हम लोग इस्तेमाल करें, सेल्फ अवेयरनेस, क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ हमें सिखाता है चैप्टर द वैल्यू ऑफ टाइम। सबसे पहली चीज़ हम लोग इसके गोल्डन वर्ड को देखेंगे। तो गोल्डन वर्ड क्या लिखा है? पहली बात, किसने कहा है? तो लॉर्ड चेस्टरफील्ड ने कहा है कि द नो द ट्रू वैल्यू ऑफ टाइम, समय की ट्रू वैल्यू को जानो। अगर कोई तुम्हारा समय बर्बाद कर रहा है तो उसको स्नैच कर लो, उसको जब्त कर लो यानी सीज कर लो, और हर एक मोमेंट इन्जॉय करो। ठीक है, लॉर्ड चेस्टरफील्ड ने कहा है कि टाइम की वैल्यू को पहचानो, कोई तुम्हारा बर्बाद कर रहा है तो उस टाइम को छीन लो या फिर जब्त कर लो और इन्जॉय करो हर एक मोमेंट अपने लाइफ का। अब चैप्टर के बारे में थोड़ी सी बात लिखी है। टाइम क्या है? टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस है। टाइम डैट गोज़ अवे नेवर कम बैक, एक बार समय अगर चले गया तो वो समय वापस नहीं आता है। इफ़ टाइम इज़ वेस्टेड, रिपेंटेंस इज द रिजल्ट, अगर समय आप बर्बाद करोगे तो केवल और केवल आपको रिजल्ट में पछतावा मिलेगा। इफ़ यू डू नॉट कम्प्लीट योर स्टडी इन टाइम, यू विल नेवर फाइंड सक्सेस इन एग्जामिनेशन, यानी अगर तुम वक्त पे अपनी स्टडी को कम्प्लीट नहीं करोगे तो तुमको एग्जामिनेशन में सक्सेस नहीं मिलेगी। ठीक है, यू शुड नॉट स्पेंड टाइम इन डूइंग नथिंग। बहुत लोग कहते हैं कि क्या कर रहे हो, तो कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं करने में अपने समय को बर्बाद नहीं करना है, यू शुड स्पेंड इट वाइजली, अपने समय का हमको सही इस्तेमाल करना है। यू शुड मेक बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ टाइम, हमको क्या करना चाहिए? बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ टाइम करना चाहिए, टाइम का बेस्ट पॉसिबल क्या यूज़ हो सकता है उसको करना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे स्टोरी है दो भाइयों की, ठीक है ना, ये स्टोरी को हम लोग पढ़ते हैं। तो स्टोरी टाइम है, ये पढ़ते हैं। डेविड एंड जॉन वर ब्रदर, कौन भाई था? डेविड और जॉन दो भाई थे। अब डेविड क्या था? डेविड वॉज अ हार्ड वर्किंग एंड रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड। जो डेविड था वो हार्ड वर्किंग था, रिस्पॉन्सिबल था। वहीं जो जॉन था ना, वहीं पे जो जॉन था वो इररिस्पॉन्सिबल था और केयरलेस था। डेविड हार्ड वर्किंग और रिस्पॉन्सिबल, जॉन कैसा था? इररिस्पॉन्सिबल और केयरलेस था। देयर एग्ज़ाम वर अप्रोचिंग, उन लोग का एग्ज़ाम क्या था? बस आने ही वाला था। ठीक है ना, वन डे जॉन सेड टू डेविड, एक दिन जॉन ने डेविड से कहा कि आई एम गोइंग टू प्ले फुटबॉल, मैं जा रहा हूँ फुटबॉल खेलने, वाई डोंट यू ज्वाइन मी, क्यों ना तुम हमें ज्वाइन करो। तो डेविड सोचता है, थॉट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर तक, एंड सेड, और कहता है नो आई हैव टू स्टडी सम इम्पॉर्टेंट लेसन, नहीं मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट लेसन पढ़ना है। सॉरी आई कैन नॉट ज्वाइन यू, सॉरी मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। लिविंग डेविड बिहाइंड, जॉन वेंट टू प्ले, तो डेविड जॉन को छोड़ के चले जाता है खेलने के लिए। ठीक है ना, जो जॉन था वो डेविड को छोड़ के, जो जॉन था वो डेविड को छोड़ के चले जाता है खेलने के लिए, मतलब जॉन चले जाएगा खेलने के लिए, डेविड घर के पास रुक जाएगा। ठीक है, अब आफ्टर अ फ्यू डे, यानी कुछ दिन बाद, जॉन अगेन आक्स डेविड, जॉन ने फिर से डेविड से पूछा, आई एम गोइंग टू फ्लाई काइट, मैं जा रहा हूँ पतंग उड़ाने, यू विल लव फ्लाइंग काइट्स, तुमको तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है पतंग को उड़ाना, कम विथ मी, मेरे साथ आओ। डेविड अगेन थॉट फॉर अ वाइल एंड सेड, डेविड फिर सोचता है थोड़ी देर तक और कहता है आई वॉन्ट टू ज्वाइन, मुझे ज्वाइन करना है, बट आई हैव टू स्टार्ट रिविज़न, मुझे क्या करना है, पर मुझे रिविज़न करना है। दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ये पतंग उड़ाने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सो आई कैन नॉट ज्वाइन यू, तो मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं कर सकता। ही एडेड जॉन, उसने और क्या कहा, मतलब जो डेविड था वो जॉन से और क्या कहा कि जॉन
आवर एग्ज़ाम आर नियर, हमारा एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा करीब है। सो यू शुड कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी, तो तुम्हें भी अपनी पढ़ाई पर क्या करना चाहिए, कंसंट्रेट करना चाहिए। तो इस पे जॉन ने क्या रिएक्ट किया, जॉन जो था ना वो लाफ किया और डेविड को छोड़ के चले गया। डेविड क्या करने लग गया, फिर अपनी पढ़ाई करने लग गया। इसके बाद डे पास, बोथ जॉन एंड डेविड अपीयर फॉर देयर एग्ज़ाम। दिन गुजरे और जॉन और डेविड क्या करते हैं, पेपर देते हैं। व्हेन द रिज़ल्ट वर डिक्लेयर, जब रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है ना, तो जो डेविड होता है वो क्लास में सेकंड आता है और जो जॉन रहता है ना वो फेल हो जाता है। जॉन बिकम वेरी अपसेट, जॉन बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है और स्टार्टेड क्राइंग और रोने लग जाता है। डेविड वेंट टू हेल्प, डेविड वेंट टू हिम एंड सेड, डेविड उसके पास जाता है और कहता है वी हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, हमारे पास जो टाइम है वो लिमिटेड है, वी शुड अप्लाई इट ऑन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, हमें उन समय को अप्लाई करना चाहिए और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को पे, ठीक है ना। यू वेस्ट टाइम, तुमने समय को बर्बाद किया इन प्लेइंग गेम को खेलने में। नेवर रियलाइज दैट द स्टडी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, तुमने ये कभी भी रियलाइज ही नहीं किया कि जो पढ़ाई है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गेम्स के। तो दिस इज़ वाई यू आर रिपेंटिंग, इसी वजह से तुम पछता रहे हो। चेंज योर एटीट्यूड, अपना जो एटीट्यूड है उसको चेंज करो। हैव सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल लाओ, अपने ऊपर कंट्रोलिंग लाओ एंड टाइम को रिस्पेक्ट करना सीखो। जॉन को अपनी मिस्टेक रियलाइज होती है और वो डिसाइड करता है कि वो अपने आप को चेंज करेगा। अब इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, या इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है, तो टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस है। टाइम क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस है। हर एक सेकंड हमारे ज़िंदगी का काउंट होता है, तो हमें क्या करना चाहिए, मेक फुल यूज़ ऑफ एवरी पर्टिकुलर सेकंड, हर एक पर्टिकुलर सेकंड को हमें यूज़ करना है। लर्न टू डिवोट मोर टाइम और इम्पॉर्टेंट थिंग, हमें क्या चीज़ों को सीखना, चीज़ों को अच्छे से यूज़ करने में, इम्पॉर्टेंट चीज़ों में अपने समय को लगाना चाहिए, टाइम को वेस्ट करना नहीं चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर था, आपको कैसा लगा हमें बताएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।